आपने ये कभी ना कभी जरूर सोचा होगा कि गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा छाप कर सबको अमीर क्यों नहीं कर देती और होमलेस लोगों की मदद क्यों नहीं करती। इसका एक सिंपल सा जवाब है कि पैसा प्रिंट करने से पैसे की वैल्यू कम होती है। जरा ध्यान से सोच कर देखो तो नोट्स की असल में कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि एक इंसान नहीं बल्कि दुनिया के सारे लोग मिलकर ये मानते हैं कि पैसे की वैल्यू है, बस इसीलिए पैसे की वैल्यू होती है। मान लो अगर आप एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पर कोई इंसान नहीं है, अगर आपको वहाँ 10 लाख रुपए भी दे दिए जाए तो वो आपके किसी काम के नहीं। पर रहा सवाल ये कि गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा छाप कर देश की सारी परेशानियों को क्यों दूर नहीं करती। तो सुनो, अगर ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा छाप दिया और सबको करोड़पति बना दिया, अब हर किसी के पास 10-10 करोड़ रुपए हैं, तो सवाल ये कि अमीर कौन है। अब अमीर वो है जिसके पास 1000 करोड़ रुपए हैं। अब मान लो इंडिया में सिर्फ 20 लैम्बोर्गिनी कार हैं जिसकी प्राइस सबके अमीर होने से पहले 6 करोड़ रुपए थी, पर अब तो हर किसी के पास 10-10 करोड़ रुपए हैं, तो लैम्बोर्गिनी का दाम बढ़कर 1000 करोड़ हो जाएगा। मतलब पैसे की क्वांटिटी तो बढ़ी पर वैल्यू नहीं बढ़ी। पैसे की क्वांटिटी बढ़ने से धरती के रिसोर्सेज थोड़ी ना बढ़ जाएंगे, वो तो उतने ही रहेंगे। ये जो मैं आपके सामने इतनी देर से बोल रहा हूँ, ऐसा मैं सिर्फ बोल नहीं रहा बल्कि ऐसा रियल लाइफ एग्जाम्पल भी हो चुका है जो ये दिखाता है कि पैसा प्रिंट करना एक बुरा आइडिया नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा बुरा आइडिया है। ऐसी गलती जिम्बाब्वे नाम का देश कर चुका है। तो सुनो, साल 2008 जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने पैसा प्रिंट करने का डिसीजन लिया और दिनों रात पैसा छापने लगे। और आप ये देखो, एक डेवलप्ड कंट्री की इन्फ्लेशन रेट होती है 2% और बाकी कंट्रीज की 6% पर ईयर के हिसाब से होती है, पर जब जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने पैसा प्रिंट करा तब वहाँ की इन्फ्लेशन रेट 89.7% नहीं, 89.7 मिलियन नहीं, 89.7 बिलियन नहीं, 89.7 ट्रिलियन भी नहीं, 89.7 क्वाड्रिलियन भी नहीं, बल्कि वहाँ की इन्फ्लेशन रेट 89.76 ट्रिलियन हो गई थी, यानी 897 के आगे इतने 0% बढ़ गई थी। मतलब वहाँ की चीजों के दाम इतने परसेंट बढ़ गए थे, मतलब पहले वहाँ कोई चीज अगर 1 रुपए में मिलती थी तो अब वो इतने में मिलने लगी। और जरा इसको देखो, ये बच्चा एक ब्रेड खरीदने जा रहा था और इसको लाखों जिम्बाब्वे डॉलर देने पड़ रहे थे। इस सिचुएशन से चीजों के दाम हर 24 घंटों में डबल होने लगे और इस चीज को देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने 100 ट्रिलियन डॉलर का नोट निकाल दिया। जैसे इंडिया में अगर 1 लाख अरब रुपए का नोट निकला तो कैसा लगेगा। ये जो मैंने जिम्बाब्वे की इतनी लंबी कहानी सुनाई, ये तो सेकंड वर्स्ट केस है। नंबर वन पर जो केस आता है वो है हंगरी नाम के एक देश का। सन 1946 में हंगरी का ये केस पूरे इतिहास का सबसे वर्स्ट केस था। जरा इस चार्ट को देखो, जिम्बाब्वे की जो मंथली इन्फ्लेशन थी वो इतनी थी, यानी जिम्बाब्वे में हर 24 घंटों में चीजों के दाम डबल हो रहे थे, पर हंगरी में ये परसेंटेज बहुत ही ज्यादा थी। इसका मतलब वहाँ पर हर 15 घंटों में चीजों के दाम डबल हो रहे थे। एक नॉर्मल कंट्री में 23 से 24 साल में चीजों के दाम डबल होते हैं, पर हंगरी में ये चीज हर 15 घंटों में हो रही थी। 1946 में हंगरी में चीजें इतनी खराब हो गई कि अगर आप हंगरी देश के हर एक नोट को एक साथ रख दो तो उसका वैल्यू सिर्फ इंडियन रुपीज में 1 पैसे के बराबर था। तो ये होता है पैसा प्रिंट करने से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।